दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक नरेश यादव के काफिले में बीती रात लगभग 10:30 बजे के आसपास अचानक हमला हुआ और हमलावर ने कई राउंड गोलियां चलाई। अचानक हमारे काफिले पे अटैक किया है, जब हम किसी को भी लग सकती थी, मुझे भी लग सकती थी, पीछे और लोगों को भी लग सकती थी, और भी 5-7 लोग पीछे गाड़ी में चढ़े हुए थे सारे के सारे। चुनाव से है, मेरे ऊपर अटैक था या मेरे काफिले पे अटैक था, उसके बारे में कोई ऐसा बंदा तो नहीं, जानकारी तो नहीं मिल रही ना। अब वो पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी भाई वो क्यों अटैक किया। अब उसमें मेरी भी जान जा सकती थी, अब मुझे गोली मार रहा है, कोई पीछे से गोली मार रहा है, ये तो एक मतलब बहुत ही दुखद है। और मैं कहता हूँ कि ऐसे ओपन जिप्सी में तो रोजाना हम चलते हैं, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। वो जिप्सी है जिसमें विधायक जो नवनिर्वाचित होकर अपने समर्थकों के साथ मंदिर से लौट रहे थे और वसंत कुंज की तरफ जा रहे थे, तो उसी दौरान उनके ऊपर अचानक फायरिंग हुई है। हमलावर ने एक जिप्सी के पीछे की तरफ से फायर किया है जिसमें 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है, जिसमें से अशोक मान जो कार्यकर्ता है उसको 6 गोलियां लगी हैं और उसके साथ ही दूसरा जो समर्थक था घायल उसको 2 गोलियां लगी हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो जिप्सी की आगे की सीट थी वहां पर विधायक बैठे हुए थे और उनके साथ में ड्राइवर था, लेकिन अगर विधायक खड़े होते तो शायद उनको भी गोलियां लग सकती थी। लेकिन जो हमलावर था ये बताया जा रहा है कि वो एक था और पैदल आया था, उसने टारगेट बनाकर ही जो अशोक मान है उसको गोली मारी थी। और उसके बाद अशोक मान को पुलिस के मुताबिक एमएलसी की जो रिपोर्ट आई है उसमें 5 से 6 गोलियां लगी हैं और जबकि घायल को 2 गोलियां लगी है। पुलिस इस मामले में मामला दर्ज कर जांच कर रही है, लेकिन जो शिकायतकर्ता है, क्योंकि घायल के बयान के बाद ये माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ही अशोक मान को टारगेट किया गया था और उसी को सिर्फ मारने आया था, जबकि विधायक उसके टारगेट में नहीं था।